यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल पीवाईक्यू सब्जेक्ट एनालिटिकल ज्योमेट्री 2000 एनालिटिकल ज्योमेट्री लेक्चर 13, ये लेक्चर 13 है और 2015 ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। मार्क्स 6 का है, ओनली 6 मार्क्स का है ये क्वेश्चन। तो ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2.3.1 एंड 4.-5.3 पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, तो हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इजी है, कठिन नहीं है ये। प्लेन प्लेन थ्रू प्लेन थ्रू 2.3.1। तो इस इक्वेशन को हम सभी लोग ही जानते होंगे। एक्स माइनस टू पुट कर दीजिए इसे, प्लस बी वाई माइनस थ्री प्लस सी जेड माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। क्लियर, फर्स्ट इक्वेशन। इफ पासिस इफ पासिस थ्रू फोर कॉमा माइनस फाइव कॉमा थ्री इक्वल टू ए फोर माइनस टू प्लस बी माइनस फाइव माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। ये तो यहाँ से हमको मिल जाएगी इक्वेशन। इजी है। अब आप ये क्या मैं बताऊँ, ये तो आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया यूपीएससी ने। 4b प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए माइनस 4b प्लस सी इज इक्वल टू जीरो मिल गया आपको। तो इट इज पैरेलल, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस नॉर्मल टू प्लेन। प्लेन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, सेकंड एक्स एक्सिस डब्ल्यू होल्स आर एक्स एक्सिस पे है ना, तो जब एक्स एक्सिस पे है तो क्या हो जाएगा, 1 0 बाई 0 और
जेड भी जीरो क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे है, तो हैंस ये बनेगा हमको ए वन प्लस बी इंटू जीरो प्लस सी इंटू जीरो, ये मैंने पुट कर दिया ए वन बी जीरो सी जीरो इज इक्वल टू जीरो, हमको क्या मिलेगा ए इज इक्वल टू जीरो मिलेगा, क्लियर। सेकेंड के लिए देखिएगा माइनस फोर बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, सी बाई फोर इज इक्वल टू बी अपॉन वन, ए अपॉन जीरो इज इक्वल टू बी अपॉन वन इज इक्वल टू सी अपॉन फोर, ये आ गया आपका थर्ड। तो एलिमिनेटिंग एलिमिनेटिंग ए कॉमा बी कॉमा सी, क्लियर। बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड, क्लियर, मिलेगा जीरो एक्स माइनस टू प्लस वन वाई माइनस थ्री प्लस फोर जेड माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, क्लियर। तब आपको ये जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा y प्लस फोर जेड इज इक्वल टू सेम, क्लियर। तो आप देख सकते हैं आप h h इज द is the required plane, this is the required plane। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है, अगले लेक्चर में मिलते हैं, धन्यवाद।